खाती है, गाय कभी रात में नहीं खाती, मनुष्य तो जानवरों से भी ज्यादा बदतर हो रहा है। आप देखो जानवर को कभी, गाय को जानवरों को कभी रात में खाते नहीं, पक्षियों को कभी रात को, पशु पक्षी रात में नहीं खाते, और हम पशु से भी बदतर हो गए। पशु शाम को खाएगा और रात को जुबानी करता है, ये सोचो। और हम लोग चिंतन करो क्या कर रहे हैं, ये नहीं सोचता कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, तुझे आना हो तो आ जाना, नहीं आना हो तो मत आना, अपना काम जारी है। शरीर थके भी तो माला लेकर ही लेटता हूँ, जब आना होगी तो नींद आ जाएगी, अपना काम चल रहा। उसी समय यमराज आ गए तो संलेखना के साथ जाएंगे, कह रहे माला पड़ी है, लेटे लेटे माला फेर रहे हैं, जब नींद आना होगी तो आ जाएगी ना, त्याग में जा रहे माला फेरते हुए आ जाए, नींद आ गई उसी में चले गए तो चले। कुछ स्थानों पर दिखावा बहुत आवश्यक है, जैसे दीक्षा के संस्कार एक कमरे में बैठकर हो सकते हैं, परंतु इतना समाज को बुलाना आवश्यक था, क्योंकि अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु की साक्षी है। यदि व्यवस्था बन जाए तो भगवान विराजमान कर अरहंत की साक्षी, जिनवाणी की साक्षी, गुरु विराजमान, तो अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु की साक्षी में लोक साक्षी तो प्रतिज्ञा कर रहे हैं, प्रतिष्ठा अर्थात प्रतिष्ठित लोग तिष्ठ जाए वही प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठित लोग जहाँ बैठ जाए और कहे हमारी साक्षी में दीक्षा स्थिति प्रज्ञ बनना चाहिए। कह रहे हैं एक दीक्षा है वह एक कमरे में हो सकती है, पंच कल्याणक है, पंच कल्याणक